स्पेशल स्किन केयर रूटीन बनाया है जिनको ओपन पोर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मसाले वाले फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज करनी है जो आपके पोर्स को करेगा टाइट, तो वो है ये सारे फेस वॉशेस। ये आपके पोर्स को करेगी श्रिंक, आपकी स्किन को करेगी स्मूथ और इसके साथ ही साथ ओपन पोर की सारी प्रॉब्लम्स दूर करेगी। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karen S. Dhingra, your own The Formal Edit. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक है वो छोटी सी चीज जो बड़ी जब होती है, एनलार्ज होती है, तो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, दैट आर ओपन पोर्स। उसकी साइंस के बारे में, क्या कॉजेज है, कैसे ठीक करें उसको, आइए बात करते हैं। ईजी भाषा में समझाने जा रहा हूँ साइंस क्या है ओपन पोर्स की। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन। स्किन पे होते हैं मिलियंस ऑफ पोर्स, आप जो अपने ह्यूमन आई से देख भी नहीं सकते। अब छोटे से पोर के अंदर क्या है? हेयर फॉलिकल, जिससे बाल आते हैं, और दूसरा होता है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का काम है नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना जो स्किन को चाहिए रहता है, जिसका नाम होता है सेबम। अब टी जोन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सेबम का, तभी दाने भी ज्यादा आएंगे, तभी ओपन पोर भी यहाँ पे ज्यादा आते हैं। अब वो एनलार्ज कब हो जाता है, पोर बड़ा कब होता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, जब एक गुब्बारे की तरह है पोर, उसके अंदर ऑयल ज्यादा आ जाए, डर्ट ज्यादा आ जाए या डेड स्किन से ज्यादा आ जाए तो वो फूल जाता है। वैसे ही आपके पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं जब क्लॉग होते हैं, तो आपको बड़े दिखते हैं। और क्या रीजन है इससे ओपन पोर प्रॉब्लम होती है? ज्यादा धूप लेना, एक्सेस सन एक्सपोजर से जो डैमेज होता है। क्या चीज आपकी स्किन में होता है? कोलाजन, जो नेचुरल प्रोटीन स्किन प्रोड्यूस करती है। कोलाजन क्या है? जैसे आपका पोर मैंने समझाया गुब्बारा है, उसके आसपास कोलाजन उसको टाइट रखता है, फर्म रखता है। होता क्या है, जब कोलाजन डैमेज हो जाएगा तो वो गुब्बारा ढीला पड़ जाएगा, उसके अंदर डर्ट जाएगी, तेल जाएगा, तो वो फूल जाएगा, तभी एक्सेस सन एक्सपोजर से क्या होगा, आपका ओपन पोर प्रॉब्लम बढ़ेगा। दूसरा रीजन है जेनेटिक्स, यानी कि हेरिडिटी। आपको माता पिता से जैसे बाल मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, वैसे ओपन पोर्स भी मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन स्मूथ नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती, इसको हमने क्योर में सॉल्व करा है। अगला रीजन क्या है? हाइजीन, जैसे गंदे हाथ से डर्ट बिल्डअप करना पोर्स में, या पूरे दिन फेस वॉश ना करना, फेस पे ऑयल रहने देना, या ज्यादा वॉश करना, उससे भी ओपन पोर प्रॉब्लम्स होती है। चौथा है हार्मोनल चेंजेस, जब प्यूबर्टी स्ट्राइक करती है, आपने देखा है ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपके बॉडी में एंड्रोजन होता है जो डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपके ऑयल प्रोडक्शन से, उससे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है बॉडी में। जब ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मैंने आपको लिंक समझाया आपके पोर्स कैसे फूले हुए और बड़े दिखेंगे, लार्ज पोर्स दिखेंगे। उसके अलावा है कॉस्मेटिक्स, क्या होता है कई लोग ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले चीप प्रोडक्ट्स यूज करना, जिससे आपकी स्किन इरिटेट होती है, पोर्स इरिटेट हो जाते हैं, या मेकअप टाइम पे ना उतारना, इस रीजन से भी आपके ओपन पोर्स होते हैं। अगला फैक्टर है एजिंग। आपने नोटिस करा होगा जिन लोगों की एज ज्यादा हो जाती है, स्किन लटक जाती है, सैग हो जाती है, स्किन की टाइटनेस जब कम हो जाती है, पोर एक्सपैंड हो जाते हैं और आपको बड़े दिखते हैं। अगला फैक्टर क्या है? एक्सेस सेबम प्रोडक्शन, यानी कि बॉडी में जब ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उससे भी उसको भी कंट्रोल करा जा सकता है, एक अच्छी डाइट रख के जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। दूसरा, एक डेडिकेटेड स्किन केयर रूटीन जो ओपन पोर वाली प्रॉब्लम के लिए है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो छोटी छोटी गलती आप डेली बेसिस पे करते हैं, आइए बात करते हैं। अब डाइट की बात करते हैं, डाइट का डायरेक्ट लिंक है आपकी ऑयल प्रोडक्शन से। अगर आपकी डाइट खराब होगी तो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपके ओपन पोर्स और बढ़ेंगे, जैसे आपको समझाया। ये है वो सारी लिस्ट खराब फूड्स की जो आपके ओपन पोर्स को बढ़ाएगी, जैसे कि मसाले वाले फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, रेड मीट्स, और ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है खाने में। और आपको क्या चीजें हैं जो खानी है, जिससे आपकी ओपन पोर प्रॉब्लम कम होगी? विटामिन सी वाले फ्रूट्स जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंजेस हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है, 4 से 5 लीटर पानी आपका ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा, और 1 ग्लास आपको नींबू पानी भी ऐड। स्पेशल स्किन केयर रूटीन बनाया है जिनको ओपन पोर प्रॉब्लम होती है, बेसिक प्रोडक्ट रखे हैं, फैंसी नहीं रखे गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बजट में सारे प्रोडक्ट्स मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं होगी इसके अंदर। सबसे पहला क्या है, फेस वॉश होना चाहिए, एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, जिसका काम क्या है, जो आपके पोर्स में डर्ट आ गई है, ऑयल बिल्डअप ज्यादा हो गया है, उसको साफ करना। उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड जरूर होना चाहिए, तो वो है ये सारे फेस वॉशेस। देयर इज नो पेड प्रमोशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। फेस वॉश यूज कर ले, पानी एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज करनी है जो आपके पोर्स को करेगा टाइट, विच इज टोनर। आपको ऐड करना है कोई भी अच्छी कंपनी का टोनर ऐड करें, चाहे आप कॉटन से लगाएं उसको या आप स्प्रेज यूज करें, ये है वो अच्छे टोनर्स बजट के अंदर। जब टोनर एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद क्या आता है,
मॉइस्चराइजर यूज करना है, आपकी स्किन चाहे ऑयली हो या नहीं लेकिन अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें। नॉन कॉम्डोजेनिक होना चाहिए, मतलब आपके जो पोर्स को ब्लॉक ना करे, और वो है सारे अच्छे मॉइस्चराइजर्स। स्किन केयर में एक चीज जरूर डालेंगे जो सन डैमेज से आपको बचाएगा, ओपन पोर नहीं होंगे, वो है सनस्क्रीन। 365 डेज आपको यूज करनी है, कितनी बार दिन में यूज करनी है, कौन सी स्किन टाइप पे जाएगी, विंटर्स में यूज करे ना करे, कौन सी बजट में सनस्क्रीन अच्छी है, सारा इस वीडियो में दे रखा है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो सोने से पहले जरूर उसको उतारे, नहीं तो आपके पोर्स हो जाते हैं क्लॉग। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों को नहीं पता, जब भी आप अपना मुंह धोए या अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, जो एंड स्प्लैश होगा पानी का मुंह पे वो ठंडे पानी से होना चाहिए। चाहे आप गुनगुना पानी थ्रू आउट यूज करें लेकिन लास्ट स्प्लैश हैज टू बी विद कोल्ड वाटर, वो श्रिंक करता है पोर्स को। अब बात आती है वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडीज की जो हर स्किन टाइप पे जाएगी, और इसको मैंने दो चीजों में क्लासिफाई करा है, एग यूजर्स और नॉन एग यूजर, क्योंकि हर बंदा अंडा यूज नहीं कर सकता। इन होम रेमेडीज को दो बार यूज करना है। ये होम रेमेडी आपके पोर्स को करेगी श्रिंक, आपकी स्किन को करेगी स्मूथ, और इसके साथ ही साथ ओपन पोर की सारी प्रॉब्लम्स दूर करेगी। इसके अंदर डालना है एक एग वाइट जो कोलाजन बूस्ट करता है, स्किन को बेसिकली करेगा टाइट। इसके अंदर डालेगा एक टेबलस्पून हनी जो आपके पोर्स को करता है क्लीन। साथ में डालेगा 2 से 3 पीसेस पपीता यानी कि पपाया और 2 टेबलस्पून रोज वाटर। इसको अच्छे से मिक्स करें, फेस पे लगाएं, इसे 15 से 20 मिनट ड्राई होने दें और ठंडे पानी से धो लें, और पानी अब्सॉर्ब होने के बाद इसे मॉइस्चराइजर। नॉन एग यूजर्स के लिए क्या है, आपको लेना है 3 टेबलस्पून मुतारी मिट्टी, आपकी स्किन बेसिकली पोर्स को करेगा टाइट। उसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून रोज वाटर यानी कि गुलाब जल और 1 चम्मच एलोवेरा जो आपकी स्किन को करता है हाइड्रेट। इसको मिक्स करें, फेस पे लगाएं, 15 से 20 मिनट में जब ये ड्राई हो जाए इसको ठंडे पानी से धोएं, और उसके बाद आप इस पे मॉइस्चराइजर। सो दोस्तों, दिस वॉज एवरी थिंग अबाउट ओपन पोर्स। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा था ये टॉपिक बनाने के लिए, इसकी साइंस कैसे ठीक करें, कॉजेज, बेस्ट प्रोडक्ट्स मैंने सारे स्किन केयर के लिए बजट में आपके लिए निकाले हैं। अगर मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना नेक्स्ट टॉपिक।